जय हिंद दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। दोस्तों व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब दो तरंगे एक दूसरे से मिलती है या अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग के आयाम में कमी होती है या अधिकता होती है, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। किस तरीके से, जैसे कोई एक ये प्रकाश तरंग है ये, और दूसरी कोई प्रकाश तरंग है ये, दोनों का आयाम जुड़कर ये आयाम कहलाता है दोस्तों। ये आयाम है, ये दोनों का आयाम जुड़कर अगर परिणामी तरंग के आयाम में कमी या अधिकता हो जाए, दोनों का आयाम ध्यान रखना है, ये इसका श्रृंग से श्रृंग जुड़ा तो ये श्रृंग बढ़ गया, मतलब आयाम में अधिकता हो गई। तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। दोस्तों व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब दो तरंगों के आपस में जुड़ने पर या अध्यारोपित होने से परिणामी तरंग के आयाम में अधिकता हो जाए, या परिणामी तरंग का आयाम बढ़ जाए तो इसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। देखिए इसी को मैं दूसरी तरीके से बोल रहा हूं, ये और ये दोनों मिले, ये बढ़ गया परिणामी तरंग का आयाम, इसे क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण। और इसी को दूसरी तरीके से मैं कैसे बोल रहा हूं तो समझना है दोस्तों, यदि दो तरंगों के श्रृंग से श्रृंग मिले तथा गर्त से गर्त मिले तो परिणामी तरंग का आयाम बढ़ जाता है, अर्थात पर्दे पर अधिकतम तीव्रता का प्रकाश दिखाई देता है, या अपन कह सकते हैं कि दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, पर्दे पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, इसे अपन समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जब पहली तरंग ये है प्लस दूसरी तरंग ये है तो परिणामी तरंग के आयाम में कमी हो जाती है। जब पहली तरंग के श्रृंग से दूसरी तरंग का गर्त मिल जाए तथा पहली तरंग के गर्त से दूसरी तरंग का श्रृंग मिल जाए तो परिणामी तरंग के आयाम में कमी हो जाती है, ये इसमें से ये गया, जीरो भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जब दो तरंगों के श्रृंग से गर्त तथा गर्त से श्रृंग मिल जाए तो परिणामी तरंग के आयाम में कमी हो जाती है, अर्थात पर्दे पर अदीप्त फ्रिंज या काली फ्रिंज प्राप्त होती है या न्यूनतम तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होता है, इसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण। अब ये तो अपन ने बहुत अच्छी तरीके से थ्योरिटिकल समझा, अब अपन समझते हैं गणितीय विश्लेषण रूप से, गणितीय तरीके से पढ़ते हैं। देखो बड़ा शानदार तरीके से अभी बताता हूं मैं एकदम गणितीय विश्लेषण। क्या हो रहा है? इधर से एक प्रकाश तरंग आ रही है डेंटेन इधर से, और इधर से भी दूसरी प्रकाश तरंग आ रही है, अरे भाई किसी भी सागर के पास, या अपन फतेह सागर के वहां खड़े हैं, उदयपुर के फतेह सागर के वहां खड़े हैं, और इधर से लहर आ रही है ठंडी ठंडी चिल्ड आया है, लेकिन फील नहीं लेना है, सिर्फ देखना है वो जो लहर आ रही है, इधर से एक लहर आई, दोनों का ऊपर वाला पोटेशन मिल गया तो और ऊपर चला जाएगा ना, और यदि दोनों का ऊपर वाला पोटेशन मिला, श्रृंग मिला तो और ज्यादा ऊपर चला जाएगा, इसे अपन समपोषी व्यतिकरण कह रहे हैं, और एक का ऊपर वाला और एक का नीचे वाला मिल गया तो कम हो जाएगा, इसे ही अपन क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। किस तरीके से, इधर समझते हैं, कोई एक प्रकाश तरंग यहां आ रही है, ये यहां पर दूसरी प्रकाश तरंग यहां आ रही है, ये इस तरीके से दोनों प्रकाश तरंगें यहां मिल रही, माना यहां से यहां तक का X1 है, यहां से यहां तक का X2 है, मानते हैं, माना प्रथम तरंग का विस्थापन समीकरण क्या आएगा? Y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस के X1। ये ऐसे समीकरण अपन ने बहुत से बार पढ़े हैं, 11th के अंदर पढ़े, अरे 11th की छोड़ो भाई, 12th के अंदर पढ़े हैं, किसमें? प्रत्यावर्ती धारा के अंदर,
पढ़े हैं, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण भी ऐसा ही था, सिनोसाइडल वेव का समीकरण या प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पे फाइव की जगह पे क्या है के एक्स वन। माना दूसरी किरण का, माना द्वितीय तरंग का, तरंग का विस्थापन समीकरण, विस्थापन समीकरण क्या आएगा, y2 टू इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। ध्यान रखना ये जो दोनों कोष्टक में है ये कला कोण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कला कोण कहलाते हैं। और a1 और a2 क्या है, a1 और a2 भाई ये वाला क्या है, ये आयाम कहलाता है, क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। और ये जो सारा सारा व्यतिकरण है, विनाशी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण, किसके ऊपर निर्भर करता है, आयाम के ऊपर ही निर्भर कर रहा है। कैसे, जब आयाम बढ़ेगा समपोषी व्यतिकरण, जब परिणामी तरंग का आयाम घटेगा विनाशी व्यतिकरण। खेल सब सारा इस आयाम का हो रहा है। ये लीजिए परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण, परिणामी तरंग दोनों तरंगें मिल रही है तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये लो y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसा कैसा लिखा है। अब दोनों का, ये इसका कला कोण है, ये इसका कला कोण है, सबसे पहले कलांतर ही फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात कर रहे हैं, कलांतर। कलांतर क्या होता है भाई, कलांतर को सबसे पहले तो फाई से निरूपित करते हैं। पहली बात ही है कि कलांतर फाइंड कर रहे हैं अपन, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना है, एक एक पॉइंट से एकदम मजा आ जाएगा। कलांतर समझ रहा हूं मैं, कलांतर, कलांतर को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। दोनों तरंगों के कला कोण में अंतर कलांतर कहलाता है, दोनों तरंगों के कला कोण में अंतर कलांतर कहलाता है। परिभाषा लिख लेनी है, इसका कला कोण क्या है, अंतर लिख रहे क्या होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ये वाला कला कोण ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, बाकी कर दो भाई, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसल, क्या बचेगा, फाइव इजिकल टू क्या बचेगा के एक्स टू माइनस के एक्स वन। और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, फाइव इजिकल टू के कॉमन ले लेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू क्या, ये पथ है, यहाँ का यहाँ पाथ है, पथ का अंतर पथांतर कहलाता है, क्या कहलाता है, पथांतर। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया है, डेल एक्स, इसको क्या कहते हैं अपन, पथांतर, 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 दोनों तरंगों के पथ में अंतर पथांतर कहलाता है। डेल एक्स लिखेंगे इसको, क्या किसको लिखेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन को। तो यहाँ पे फाइ इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, के डेल एक्स। ये लीजिए अपने पास कलांतर का सूत्र है, ये कला कोण में अंतर क्या होता है, के इंटू डेल एक्स होता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो अपन पूरा पूरा डेरिवेशन करेंगे, इसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो आ रहा है ओमेगा, कला कोण के अंदर ओमेगा आ रहा है, ओमेगा इजिकल टू होता है टू पाई एफ, क्या होता है ओमेगा इजिकल टू क्या होता है टू पाई एफ। और डिटेल में पढ़ना है तो अपने को इलेवेंथ के अंदर जाना पड़ेगा, इलेवेंथ में तरंग चैप्टर है वो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अभी के की वैल्यू होती है फिक्स, ध्यान रखना के इजिकल टू होता है टू पाई अपॉन लेमडा। जब ये वैल्यू इसके अंदर लिख देंगे तो अपने पास फाई इजिकल टू आ जाएगा टू पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल एक्स। ये अपने पास कलांतर का सूत्र, ये लिखेंगे तब भी ठीक है, ये लिखेंगे तब भी ठीक है। अब बात आ रही है, अच्छा क्या करते हैं अपन कि साथ ही साथ निपटाते जाते हैं, क्या निपटाते जाते हैं, फाई की बात आ रही के फाइव इजिकल टू टू पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल एक्स, ये कलांतर का फॉर्मूला आ गया है। अब अपने को ज्ञात करना है परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र, क्या ज्ञात करना है, परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र। मैं क्या करता हूँ, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लिया हो तो बड़ी शानदार बात है, टैलेंटेड बच्चे हैं आप, तो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ मिटा देता हूँ, जो काम की चीज़ें हैं उनको अब मैं यहाँ साइड में लिखता जाऊँगा, इसको बाकी मिटा देता हूँ। ये मिटाया 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 मिटाया, देखो मिट गया सब सारा दिमाग से, आपके भी मिट गया। अरे भाई दिमाग से नहीं मिटना चाहिए, केवल और केवल मिटना चाहिए बोर्ड से, वो भी आपकी कॉपी में नोट होने के बाद,
यहां पे अपने पास एक चीज आई है, क्या आई है? कलांतर। कलांतर क्या आया है? कलांतर फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इन टू डेल एक्स। ओके, कलांतर का सूत्र ये है अपने पास। एक तो इंपोर्टेंट चीज ये आई है। अब क्या कर रहा हूं मैं, सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से ये क्या है? ये दोस्तों 11th के अंदर आया था, दो सदिशों का योग। त्रिभुज नियम से भी कर सकते हैं, समांतर चतुर्भुज नियम से भी कर सकते हैं, याद आ गया होगा आई थिंक पूरा का पूरा। क्या है, क्या है समांतर चतुर्भुज से? अपने को परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज नियम बता देता हूं पहले। ये लो भाई समांतर चतुर्भुज का नियम। ये कोई ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसके समांतर भुज आएगी, बी वेक्टर भी आएगी। और इसका जब परिणामी ज्ञात करना पड़े, परिणामी सदिश ज्ञात करना पड़े, ये इसका विकर्ण है। और इन दोनों के बीच में कोण कितना भी फाई ले लो, ये फाई। जब इन दोनों सदिशों के बीच का कोण फाई हो और दो सदिश दे रखे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इसका परिणामी सदिश या विकर्ण का मान आर वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू आता है आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और इसका जब सॉल्यूशन किया जाता है तो आता है रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos phi, ये आता है भाई। इससे अपने को क्या लेना देना, ये तो 11th का है, तो 12th में क्या लेना देना, अभी आएगा ना, अभी आएगा। ये ले लीजिए और ये ले लीजिए। ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास a1 प्रथम तरंग का आयाम, a2 द्वितीय तरंग के आयाम, और इसका परिणामी ज्ञात करना है। परिणामी ज्ञात करना है तो समांतर चतुर्भुज के नियम से ये आ गया अपने पास, ये लीजिए, ये अपने पास कितना कोण फाई। तो यहां पे भी डायरेक्ट इसका परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, AR वेक्टर। और AR वेक्टर का डायरेक्ट सूत्र आ रहा है भाई, ये यहां से डायरेक्ट सोल्व करने की जरूरत नहीं है। AR वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। बड़ी भाई सरल तरीके से है, बाकी बहुत सारा याद करना पड़ता है, मानना पड़ता है। अपन ने 1 मिनट में सदिशों का त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम पता है, तो अभी ये सॉल्व हो गया, ये मिटा देता हूँ, डायरेक्ट समीकरण आ गया ना अपने पास। तो ये परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र है दोस्तों, परीक्षा में पूछेगा। व्यतिकरण की घटना में परिणामी विस्थापन समीकरण तथा परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र, और साथ ही साथ पूछेगा कि कलांतर का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। कलांतर का सूत्र ज्ञात किया, आयाम का सूत्र ज्ञात किया, अब परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र ज्ञात, परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण ज्ञात करना है। क्या है ये, कौन से समीकरण का, y1 का, प्रथम तरंग का आयाम था y1 का, ये y2 का था भाई। इसका समीकरण क्या था, अपने को परिणामी तरंग के आयाम का तो पता चल गया है, ये परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। अच्छा यहां लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र। अब क्या ज्ञात कर रहे हैं, अब ज्ञात करें विस्थापन समीकरण, तो y इज इक्वल टू, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, AR वेक्टर। पहले आयाम लिखते हैं, तो AR वेक्टर लिखते हैं भाई। क्या था पहला समीकरण, y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस kx1 था। दूसरा समीकरण क्या था, y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस kx2। बात क्लियर। तो अब अपने पास पहले अपन आयाम लिखते हैं, आयाम AR वेक्टर लिख लेते हैं, फिर sin ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। ओ गुरुजी ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, आप तो पहले समीकरण का यूं कॉपी कर रहे हो। नहीं कर रहा हूं भाई, इधर देखो, यहां से मान लेते हैं, ये मान क्या लेते हैं, हे ये क्या है, प्रथम समीकरण है या प्रथम तरंग का विस्थापन समीकरण y1 है, और ये क्या है, परिणामी तरंग है। और यहां से यहां तक मान लेते हैं थीटा है, ये इससे थीटा आगे है, कितना आगे है, थीटा आगे है, तो ये तो पूरा का पूरा प्लस थीटा कर देंगे, प्लस थीटा। परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण है ये, क्या आ गया है,
परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। अरे भाई ठीक है, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण भी आ गया। अब इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ने, अब इंपॉर्टेंट यहीं पे बात इंपॉर्टेंट आ जाती है। केस 1, 2, 3 अभी पढ़ाता हूं शानदार तरीके से। जो भी है विनाशी व्यतिकरण ले लो या संपोषी व्यतिकरण कर ले लो, किसके ऊपर डिपेंड करता है? आयाम के ऊपर। आयाम बढ़ जाए संपोषी व्यतिकरण, आयाम कम हो जाए विनाशी व्यतिकरण। आयाम के ऊपर ही चक्कर पड़ रहा है सब। आयाम को अभी सॉल्व करते हैं, ठीक कर देते हैं आयाम को अभी, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। ये मिट गया। अब ये लो क्या लिखते हैं, एक एक चीज यहां पे लिख देते हैं। संपोषी व्यतिकरण और यहां लिख देते हैं विनाशी व्यतिकरण। ये लीजिए, दोनों को सोल्व करते जाएंगे साथ ही साथ। संपोषी व्यतिकरण क्या होगा, होता है यहां पे देखिए, ये जो आयाम का सूत्र है इसमें से आयाम अधिकतम होना चाहिए परिणामी तरंग का। आयाम अधिकतम मतलब कोस फाई, भाई A1 को नहीं बदल सकते, प्रथम तरंग का आयाम है फिक्स होता है, द्वितीय तरंग का आयाम भी फिक्स होता है, ये भी फिक्स है। चेंज कर सकते हैं तो किसको, कोस फाई को। चेंज किसको कर सकते हैं, कोस फाई को। कोस फाई अधिकतम कब होगा, कोस फाई अधिकतम होगा तब आयाम अधिकतम हो जाएगा। मतलब खेल किसका है, मेन कोस फाई का। आयाम अधिकतम होने के लिए कोस फाई अधिकतम होना चाहिए। कोस थीटा का मान अधिकतम सबसे ज्यादा कितना होता है, कोस थीटा का मान, अरे भाई +1 होता है। कोस थीटा का मान कभी +2 हुआ है? नहीं, +1 होता है। मतलब आयाम अधिकतम होने के लिए या संपोषी व्यतिकरण के लिए कोस फाई की वैल्यू +1 होना जरूरी है। इसी तरीके से कम होने के लिए, कम कितना होता है भाई, -2 होता है क्या? नहीं होता है। कोस फाई का कम से कम मान कितना हो सकता है, कोस फाई इज इक्वल टू होता है -1। तो कोस फाई की वैल्यू -1 होगी तब विनाशी व्यतिकरण बनेगा, कोस फाई की वैल्यू +1 होगी तब संपोषी व्यतिकरण बनेगा। अब कोस फाई की वैल्यू +1 कब होती है, -1 कब होती है, तो अभी पढ़ लेते हैं। देखिए फाई की वैल्यू +1 कहाँ होती है, एक तो 0 पे होती है। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 0 पर 1 होता है, फिर होता है 0 के बाद कितना, 0 के बाद 2π 4π 6π डॉट 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 ऐसे चलते जाइए। 2π पे भी 1 होता है, 4π पे भी 1 होता है, 6π पे भी 1 होता है। ये होता है संपोषी व्यतिकरण के लिए फाई कितना होना चाहिए, 0 2π 4π 6π होना चाहिए। ये कहलाता है अपना संपोषी व्यतिकरण। इसको अगर अपन शॉर्ट में लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, ±2nπ। क्यों लिखा ये अभी बता देते हैं। यहां पे क्या है, n इज इक्वल टू 0, 1, 2 डॉट 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 डॉट, क्या लिख रहे हैं, फाइव इज इक्वल टू ये होगा तब जबकि संपोषी व्यतिकरण बनेगा अपना। क्या बन रहा है देखो, n की वैल्यू 0, 0 रखो, n की जगह पूरा 0 होगा, 0 हो जाएगा। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2π, 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4π ये आ जाएगा। इसी तरीके से यहां की बात करते हैं, फाइव इज इक्वल टू भाई -1 कहां होता है, माइनस वहाँ कहाँ होता है, एक तो पाई पर ही होता है, एक 3π पर होता है, 5π पर होता है, 7π पर होता है -1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फाई 2n-1 × π। क्या लिख सकते हैं, 2n-1 × π। n की वैल्यू क्या चल रहा है, n इज इक्वल टू 1, 2 डॉट डॉट डॉट, कैसे n की जगह पर 1 लिखेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 में से एक गया तो 1, 1 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई, क्लियर। ओके, जब 2 लिखेंगे, 2, 2, 4, 4 में से एक गया 3, 3 × π, 3π और तब वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो अपने पास क्या आ गया, पाई की वैल्यू 2n-1 × π हो तो अपने पास क्या आएगा, विनाशी व्यतिकरण आएगा। और जब फाई की वैल्यू 2nπ आए तब अपने पास क्या आएगा, संपोषी व्यतिकरण आएगा। अच्छा ये देखते तो सही है क्या आता है, अभी देखते हैं। AR कितना आ रहा है, +1 लिखा, यहां पे +1 लिखा तो a1² + a2² + 2a1a2 आएगा। ये आ गया अपने पास a1² +
ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू, अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या होता है फॉर्मूला, रूट ऑफ ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ए आर क्या बच जाएगा अपना, ए आर क्या बचेगा, ए वन प्लस ए टू, परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा इस समय। इसी तरीके से अब ये खुद सॉल्व कीजिए, यहाँ पे माइनस लगे, अरे भाई इतना सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे कोस फाई की वैल्यू माइनस वन लिखेंगे, कोस फाई की वैल्यू माइनस वन लिखेंगे तो ये माइनस नहीं आ जाएगा क्या, माइनस आ जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए आर इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू, परिणामी तरंग का आयाम ये आएगा, विनाशी व्यतिकरण होगा तब, दोनों आयामों का अंतर आएगा, दोनों आयाम के अंतर के बराबर होगा परिणामी तरंग का आयाम, और दोनों तरंगों के आयाम के योग के बराबर होगा परिणामी तरंग का आयाम समपोषी व्यतिकरण में, विनाशी व्यतिकरण के लिए इससे पहले अभी बताया। अब बात आती है, ये एक फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो जाता है जब आयाम की बात कर रहे थे। अब दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट क्या लें बताएं, दूसरा पॉइंट ले सकते हैं अपन कलांतर फाई, कलांतर क्या होगा, कलांतर होगा कलांतर 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल एक्स, तो अपन पथांतर की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले, किसकी बात कर रहे हैं पथांतर की, पथांतर क्या होता है डेल एक्स होता है, अभी सॉल्व करते हैं इसको, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये लो ये मिटाया, ये कॉपी हो जाना चाहिए, इसके बाद का है भाई, इसके बाद का है, अभी सॉल्व करते हैं, ये लीजिए पॉइंट नंबर टू क्या आ रहा है, पथांतर, पथांतर का फॉर्मूला बनाइए, फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल एक्स, डेल एक्स चाहिए अपने को तो भाई डेल एक्स चाहिए, लेमडा को इधर भेजेंगे तो फाई इंटू लेमडा अपॉन 2 पाई, ये लीजिए। अब समपोषी व्यतिकरण के लिए फाई कितना होना चाहिए, समपोषी के लिए यहाँ लिखने भूल गए अपन, अभी दिखा थोड़ा बेक ले जाकर देखिए, समपोषी के लिए फाई कितना होना चाहिए 2n पाई होना चाहिए, समपोषी के लिए फाई कितना होना चाहिए 2n पाई, डेल एक्स इजिकल टू 2n पाई लेमडा अपॉन 2 पाई, भाई पाई से पाई कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, तो डेल एक्स इजिकल टू क्या आ गया n लेमडा, ये लीजिए डेल एक्स, यानी कि पथांतर जब भी लेमडा का पूर्ण गुणज होगा, लेमडा का पूर्ण गुणज होगा तब समपोषी व्यतिकरण ही बनेगा भाई, जब पथांतर लेमडा का पूर्ण गुणज होगा, याद रखनी है स्पेशल, जब पथांतर लेमडा का पूर्ण गुणज होगा तब समपोषी व्यतिकरण बनेगा और पर्दे पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, लाइन लिख लेना ओके ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे डेल एक्स इजिकल टू फॉर्मूला क्या, फाइव लेमडा अपॉन टू पाई, विनाशी व्यतिकरण के लिए फाइव कितना होना चाहिए भाई, पीछे जाओ देखो 2n माइनस वन क्या होना चाहिए, 2n माइनस वन इंटू पाई और पूरा का पूरा ऐसा लेमडा अपॉन टू पाई, भाई पाई से पाई कैंसिल, तो डेल एक्स इजिकल टू क्या आ रहा है 2n माइनस वन लेमडा अपॉन टू, जब पथांतर लेमडा बाई टू का विषम गुणज हो, क्योंकि विषम गुणज कैसे हो गया यार, एक ऐसे थोड़ी बात थोड़ी होती है यार, ये कैसे हो गया भाई, n इजिकल टू देखो 1 2 3 डॉट 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 ऐसा है, 1 लिखेंगे अपन, n की जगह पे 1 लिखा तो 2 इंटू 1 2, 2 में से एक गया 1, 1 लेमडा बाई टू हो गया, हाँ विषम गुणज नहीं हुआ, अच्छा चलो ठीक है मत मानो, नेक्स्ट लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, 2 लिखेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, कितना आता है 4, 4 में से एक गया तो 3, 3 लेमडा अपॉन 2 आया कि नहीं आया, तो लेमडा बाई 2 का पहले 1 आया था फिर 3 आया, अब की बार 5 आएगा, ऐसे लिखते जाओ विषम संख्या आएगी। मतलब ये है अपन ये कह सकते हैं कि जब भी पथांतर लेमडा बाई 2 का विषम गुणज होगा तब विनाशी व्यतिकरण बनेगा और पर्दे पर अदीप्त फ्रिंज अर्थात काली फ्रिंज प्राप्त होगी, बात क्लियर। यह है समपोषी व्यतिकरण के लिए अपन ने दोनों शर्तें पढ़ी, एक तो फाई कलांतर कितना होना चाहिए और दूसरा पथांतर कितना होना चाहिए, दोनों बातें क्लियर समझ में आई। थर्ड पॉइंट, लास्ट एंड फाइनल थर्ड पॉइंट है ये, अभी समझते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, प्रकाश की तीव्रता क्या कहता है, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, प्रकाश की तीव्रता जो है, अरे भाई आवाज नहीं आनी चाहिए चुपचाप, यस प्रकाश की तीव्रता जो है, प्रकाश की तीव्रता को आई से निरूपित करते हैं, प्रकाश की तीव्रता आयाम के, तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, ये आई समानुपात
ए स्क्वायर होता है। आयाम को ए लिखते हैं, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है प्रकाश की तीव्रता। आयाम जितना अधिक होगा प्रकाश की तीव्रता भी उतनी अधिक होगी। किस तरीके से, अगर ये फॉर्मूला यहाँ लगाएं, देखिए अभी आई आई इजिकल टू ए वन स्क्वायर को आई वन लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आई टू, प्लस ए वन ए टू। अब ए वन ये लो स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो ये क्या लिख सकते हैं टू रूट ऑफ आई वन रूट ऑफ आई टू। और कॉस फाई, फाई की क्या लिखा था यार, कॉस फाई इसके लिए प्लस नहीं होना चाहिए समपोषी व्यतिकरण में, प्लस होना चाहिए ऐसा कैसा। यहाँ पे लिखेंगे तो आई इजिकल टू आई वन प्लस आई टू, माइनस है ये कॉस फाई इजिकल टू माइनस टू रूट ऑफ आई वन रूट ऑफ आई टू। यस क्लियर, दैट्स ओके। अब अपने पास क्या आ रहा है देखो ध्यान से, I1 I2 रूट का है, तो यहाँ पे रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगा। अगर अपन ध्यान से सॉल्व करें क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं I1 इजिकल टू I2, दोनों बराबर हैं तो अपने पास क्या होगा, अपने पास आ जाएगा रूट I1 प्लस रूट I1, क्या जाएगा रूट I1 प्लस रूट I1, तो टू रूट I1 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा फोर आई वन, कितना आ जाएगा फोर आई वन आ जाएगा। परिणामी तरंग दोनों तरंग के योग के बराबर होती है। अब यहाँ पे दूसरा इसी तरीके से ये अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आई इजिकल टू माइनस आ रहा है तो माइनस लगा दो ना यार, क्या दिक्कत है, माइनस रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर। यदि लिख देते हैं यदि आई वन इजिकल टू आई टू हो तो आई इजिकल टू क्या आएगा बताओ, बता लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 इजिकल टू I2 हो तो अपने पास क्या आएगा, ये भी रूट I1 माइनस रूट I1 जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा ना यार, मतलब यहाँ पे काली प्रिंज प्राप्त होगी या अदीप्त प्रिंज प्राप्त होगी, काली या अदीप्त, अदीप्त प्रिंज प्राप्त होगी। और यही अपना क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है भाई, कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया ये बात। क्लियर दोस्तों, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। थैंक यू।